नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां फोर्ट रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई है। घटना सुबह तकरीबन 7:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चोरी की गई मूर्ति 50 से 60 साल पुरानी है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी मंदिर के पुजारी राजेश कुमार जैन ने बताया कि सुबह 7:30 बजे करीब जब मंदिर पहुंचे तो वहां से एक लड़का निकल रहा था। जब उनकी नजर मंदिर की ओर पड़ी तो मूर्ति चोरी हो चुकी थी। जब तक वो लड़के का पीछा करते वो गायब हो चुका था। वहीं स्थानीय निवासी शिव जैन ने बताया कि उसने सुबह 7:10 के करीब मंदिर का पट खोला था, इसके बाद कटरा स्थित मंदिर चली गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है, साथ ही आविष्कार एवं FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी की घटना सुनकर स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल भी मौके पर पहुंचे और मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द मूर्ति की तलाश की जाए। आपको बता दें कि जैन मंदिर में कई अष्टधातु की मूर्तियां एक साथ रखी हुई हैं, जहां से एक मूर्ति गायब है। अब पुलिस और FSL टीम घटनास्थल की गंभीरता से जांच कर रही है, साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और मंदिर से सुबह लगभग 7:30 बजे करीब चोर लोग एक भगवान की 5 इंच ऊंचाई की पद्मासन मूर्ति चुरा कर ले गए। जो है चोरों का बड़ा हौसला रहा, पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे थे, पूजा अब से करने के लिए तैयारी में थे, इस बीच में जो है यहाँ से मूर्ति लेकर के चोर चले गए। जो है बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, मैं फोर्ट रोड मंदिर में भी पूजा करता हूँ और कटरा जैन मंदिर में, मैं कटरा जैन मंदिर में ही रहता हूँ। तो मैं जब वहाँ से आया 7:15 से मैं कटरा जैन मंदिर से निकला और यहाँ पूजा करके अपने जल लेकर के आता हूँ और यहाँ पूजा करने के लिए आए तो जैसे कि मैं बाहर मेन दरवाजे पर आया तो एक व्यक्ति यहाँ से निकलता हुआ गया और मेरा वहाँ से आना होता है तो मेरे को एक डाउट हुआ कि ये व्यक्ति निकला क्यों यहाँ से। मैं उससे भी घूरता रहा, उसकी तरफ देखता रहा, फिर भी यहाँ आकर फिर यहाँ आकर देखा तो यहाँ मूर्ति नहीं हमको मिली। तुरंत स्पीड से तुरंत दौड़ते हुए मैं बाहर आया कि शायद मेरे को यह वो व्यक्ति दिख जाए, तो हमको फिर दोबारा वो दिखाई नहीं है। तो मैंने हल्ला किया कि भाई मूर्ति नहीं है, चोर चले गए। मूर्ति है महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है, शांतिनाथ भगवान की, पीतल की है, पाषाण की प्रतिमा है, बैठने वाली है, हाँ पद्मासन प्रतिमा है। कितनी वजनी होगी लगभग? करीब करीब 4.5-5 किलो के लगभग। यहाँ मंदिर में कोई नहीं रहता क्या सुबह? नहीं, मंदिर यहाँ बंद रहता है, सुबह ये आते हैं पूजा करने के लिए, ये सामने जो रहते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं, ताला हम ही खोलते हैं मंदिर का। आज भी मंदिर ताला आज आपको खोलता है? हम तो रोज़ खोलते हैं मंदिर का ताला। अच्छा, और हम खोल के कटरा मंदिर जाते दर्शन करने के लिए, फिर हमको हम ये पुजारी साथ ही आ रहे थे, आगे पीछे थे, तो ये मंदिर में प्रवेश हो गए, हम अपने घर में प्रवेश हो गए। इनको एक लड़का अदर कास्ट का दिखा तो ये समझ नहीं पाई, ये जल्दी मूर्ति के लिए दौड़ लगाए, जब तक वो लड़का निकल चुका था। किस तरफ आ गया? इधर था। और फिर हम इनको लेके उसके यहाँ गए, जो आपको डाउट था एक मुसलमान लड़का के यहाँ, तो बोले कि वो तो सो रहा है। फिर हमने सोते हुए जगाया कि पुजारी जी बोले मैं पहचान जाऊँगा, देख लूँगा। तो फिर वो लड़का देखते पहचाने, लेकिन है लड़का यहीं का कबाड़ी, यहाँ पे वो कचरा है तो कबाड़ी बीनता, किसी के गाड़ी के पेट्रोल के टायर, किसी के बैटरी चुराता रहता है। अष्टधातु 7 और 7:30 बजे बीच की बात है ये। क्या नाम लिखते हैं? हम अपना शिव कुमार जैन, भूतपुर पार्षद। ये 50 साल पुरानी मूर्ति है और जाते ही। हाँ, ये दान दी हुई है अपने इच्छा सब कोई विराजमान करवा देता है जिसके भाव हुए।